हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया था, नाउ हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमको किस तरीके से करना है बच्चों, समझते हैं ध्यान से। काफी इजी टू टॉपिक है, काफी कंसेप्चुअल है और काफी इजी है, तो एक एक करके देखते हैं बच्चों। मैं इसको आपको ना केस के फॉर्म में बताऊंगा, इसमें इतना इतना मैं आपको इसके रूल नहीं लिखाऊंगा। हम लोग ना प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस के थ्रू आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इसका जो परफॉर्मा क्या होगा, हमेशा हम लोगों को नाम क्या करना है, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है, उसके बाद हमेशा किसका नाम लिखना है बच्चों, एनायन का, ठीक है बच्चों। और इन कॉम्प्लेक्स आयन में मुझे सबसे पहले किसका नाम लिखना है बच्चों, लिगेंड का। कॉम्प्लेक्स आयन में मुझे सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। लिगेंड के बाद यहां पर फिर मुझे क्या लिखना है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, मेटल आयन का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट में रोमन नंबर में मुझे क्या लिखना है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। रोमन नंबर में क्या लिखना है मुझे बच्चों, रोमन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, देखो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है मुझे, किस में लिखना है बच्चों, रोमन नंबर में। 1, 2, 3, 4 इस टाइप से मुझे रोमन नंबर में लिखना होता है। देखो सबसे पहले हमेशा जैसा कि हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, तो उसमें कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, फिर एनायन का, फिर उसके बाद लिगेंड का, फिर मेटल आयन का, इस तरीके से। यहां पर तो कॉम्प्लेक्स आयन वाला स्टेप थोड़ा सा अलग है बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन वाला स्टेप आपका थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे स्टेप आपके क्या है बच्चों, यहां पर सिमिलर है। बाकी सारे स्टेप आपके क्या है बच्चों, यहां पर सिमिलर है। बाकी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन वाला स्टेप आपका अलग है, लेकिन बाकी सारे स्टेप आपके सिमिलर है। सबसे पहले आपको कैटायन का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको किसका नाम लिखना पड़ेगा, एनायन का। इस तरीके से आपका नोमेनक्लेचर चलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले बच्चों यहाँ पर केस 1, ठीक है, मैं केस के हिसाब से लिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना है नाम, ध्यान से समझना, AgNH3 2CL इसका नाम लिखना है मुझे। सेकंड 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 में सारे पहले मैं ना कि केस 1 के क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद हम सबका नेमिंग करना सीखेंगे, SO4, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर CuNH3, यहाँ पर 6, और यहाँ पर Cl3। फोर्थ केस जो है बच्चों, यहाँ पर CO H2O 6, यहाँ पर Cl3, ठीक है। और फिफ्थ केस में लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पर निकल CN4+2, ये मेरे पास केसेस है। अब देखोगे बच्चों यहाँ पर इन सारे केसेस में क्या सिमिलैरिटी है, सबसे पहले इसको एनालिसिस करो कि इन सारे केसेस में आपकी क्या सिमिलैरिटी है बच्चों यहाँ पर। तो अगर मैं देखूंगा कि इन सारे केसेस में बच्चों जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है वो कौन सा साइड है, पॉजिटिव साइड है। कॉम्प्लेक्स आयन आपका क्या है बच्चों, केटायन है। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है बच्चों, यहाँ पर केटायन है, ठीक है। ये यहाँ पर भी देखो कॉम्प्लेक्स आयन आपका क्या है बच्चों, केटायन। केस 1 में अब आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन आपका क्या बच्चों, केटायन है। यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स आयन आपका क्या बच्चों, केटायन है। इन सारे केस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कॉम्प्लेक्स आयन सारे के सारे आपके केटायन है। तो केस 1 का मतलब क्या आ गया बच्चों, जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो बच्चों, केटायन पार्ट हो। कॉम्प्लेक्स आयन आपका कौन सा पार्ट हो बच्चों, इन केस 1 कॉम्प्लेक्स आयन विल बी कैटायनिक पार्ट। कॉम्प्लेक्स आयन विल बी कैटायनिक पार्ट। हम केसेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वैसे एक ही बार में दिया गया होता है, लेकिन हम केसेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। विल बी कैटायनिक पार्ट, यह आपका कैटायनिक पार्ट होता है। अब बात को ध्यान से समझेंगे। अब देखो इसमें नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हमको कैटायन का नाम लिखना पड़ता है।
जब हमारा कैटायनी कॉम्प्लेक्स आयन है तो कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने का तरीका लिगेंड, लिगेंड के बाद मेटल आयन के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब वी हैव टू रिक्वायर टू फाइंड आउट व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर। सो अब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं कैसे निकालूंगा, ए जी, यहां पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ए जी एन एच थ्री ट्वाइस, ये प्लस वन, ये आपका सी एल माइनस वन। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो एक्स, यहां पर लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है, जीरो, और यहां पर प्लस वन, टोटल एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहां पर प्लस वन, टोटल एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहां पर प्लस वन। अब मैं इसका नोमेनक्लेचर लिखूंगा, तो नोमेनक्लेचर किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, यहां पर नोमेनक्लेचर के लिए मैं यहां पर जगह बना रहा हूं, तो देखो बच्चों किस तरीके से हम यहां पर इसका नोमेनक्लेचर लिखना स्टार्ट करेंगे, समझते हैं एक एक करके ध्यान से, काफी इजी कंसेप्ट है, एक बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो कॉम्प्लेक्स आयन में अंदर की ओर कितने लिगेंट है, दो है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, डाई, सबसे पहले लिगेंट का नाम डाई अमाइन, देखो लिगेंट के नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा लिख सकते हैं, लिगेंट के नाम के आगे क्या लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, तो डाई अमाइन, अमाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या होता है, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर नाम होगा डाई अमाइन सिल्वर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वन, और इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, बाहर वाले को सिंपल वैसे ही लिख दूंगा जैसे नोमेनक्लेचर लिखते आ रहे हैं, बाहर वालों के लिए कुछ नया आपको रूल नहीं निकालना है बच्चों, बाहर वाले जो आपके क्लोराइड होंगे क्लोराइड लिखोगे, चाहे दो हो चाहे तीन हो, बाहर वाले के लिए आपको डाई ट्राई टेट्रा लिखने की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, बाहर बाहर के लिए आपको डाई ट्राई टेट्रा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बच्चों सारे क्वेश्चन यहाँ पर, तो एक एक करके देखते हैं बच्चों। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर आपको सी यू, यहाँ पर क्या आएगा, सी यू एन एच थ्री फोर, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस टू, यहाँ पर आ जाएगा एस ओ फोर टू माइनस। अब देखो इसका एक्स होता है एक्स प्लस फोर, वो एन एच थ्री पे चार्ज कितना, जीरो, तो यहाँ पर क्या चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस टू, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस टू, तो कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, यहाँ पर प्लस टू। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन का लिखेंगे, मतलब कैटायन पार्ट, जब आपका कैटायन पार्ट ही कॉम्प्लेक्स होगा तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स में नाम लिखने का तरीका आपका क्या है बच्चों, लिगेंड मेटल आयन और ऑक्सीडेशन नंबर, बस यही आपका सिंपल है ना, परफॉर्मा रहेगा हर किसी का, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर चार है तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन कॉपर, कॉपर, अब कॉपर के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, सेकेंड, ध्यान रखना बच्चों इनका नाम आपको एक साथ लिखना है, ठीक है, कॉपर कॉम्प्लेक्स का नाम एक साथ लिखना है, कॉपर सेकेंड, और यहां पर क्या हो जाएगा, सल्फेट, ये हो गया एक इस तरीके का नाम, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल है, सिंपल है बच्चों, अगर एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं बच्चों, इसको अगर मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा तो यहां पर सबसे पहले मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहां पर सी यू एन एच थ्री सिक्स, यहां पर आपका थ्री प्लस, और यहां पर आपका थ्री सी एल माइनस, बात क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको x मान लूंगा तो x प्लस सिक्स जीरो इक्वल टू प्लस थ्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर प्लस थ्री, सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। नाउ अगर मैं अब इसका इसका नोमेनक्लेचर करना चाहूं तो कॉम्प्लेक्स आयन आपका कैटायन है, और कैटायन का नाम आपको पहले लिखना पड़ रहा है, और कैटायन का नाम कॉम्प्लेक्स आयन है, तो कॉम्प्लेक्स आयन को इस परफॉर्मा में मुझको सेट करना पड़ेगा, तो जब मुझे इसको इस परफॉर्मा में सेट करना पड़ेगा तो यहां पर कितने, छह, तो हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल आयन के बाद उसका ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, तो यहां पर मैं क्या करूंगा थर्ड, और यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों क्लोराइड, समझ में आ गया होगा आई होप सो, काफी इजी था। अब ये अगला एग्जांपल आप लोग एक बार खुद से करो,
फिर वीडियो को पोस्ट करके अगले एग्जाम पर आप लोग खुद से एक बार ना कोशिश करो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ फिर यहाँ पर। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे बच्चों, कि इसको फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मुझे डिसोसिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर मुझे डिसोसिएट करना पड़ेगा। ये मैंने इसको डिसोसिएट कर दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, H6H2O के ऊपर 0 और यहाँ पर +3, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, +3 आ गया, ठीक है। नाउ अब मुझे इसका मुझे नेमिंग करना है, तो नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों। नेमिंग के लिए मैंने आपको बताया था केटायन प्लस एनायन, इस तरीके से मुझको नेमिंग करना है कि सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, केटायन का, और उसके बाद आपको किसका नाम लिखना है, एनायन का। इसको ऐसे भी लिख लो, ठीक है। अब अगर केटायन अगर आपका कॉम्प्लेक्स है, तो केटायन अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, तो उसका परफॉर्मा इस तरीके से आपको सेट करना है। तो देखो इसका परफॉर्मा किस तरीके से सेट करेंगे, समझना ध्यान से। यहां पर क्या आ जाएगा, हेक्सा, और H2O को क्या लिखते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था हेक्सा एक्वा लिखते हैं, H2O हेक्सा एक्वा, यहां पर कोबाल्ट, मेटल आयन का नाम लिख दिया कोबाल्ट, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका थर्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका क्लोराइड। अब देखो इस तरीके से मैंने यहां पर नेमिंग लिख दिया, ठीक है, यहां पर मैंने इस तरीके से नेमिंग लिख दिया। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लोराइड, और ये एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अगर मैं आप बात करना चाहूं इसके लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको एनालिसिस करेंगे, तो इसमें आपका कैटायन तो है, इसमें आपका कैटायन तो है, लेकिन आपका एनायन है, यहां पर आपका एनायन नहीं है। जब एनायन नहीं है तो ठीक है चलेगा, मतलब यहां पर ये आपका एनायन नहीं है, केटायन है, और केटायन आपका कॉम्प्लेक्स है, तो इसको इस परफॉर्मा में फटाफट से सेट कर देते। चलो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते, तो इसको मान लिया मैंने एक्स, यहां पर 4, एक्स सी एन के ऊपर -1 चार्ज, इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों यहां पर +2, एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों यहां पर, रुको, +6, सॉरी, x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों यहां पर +6, ठीक है, x इक्वल टू +6, 2 मिनट, x इक्वल टू +6, चलो ठीक है, जैसा क्वेश्चन है उसी के हिसाब से हम बना लेंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें +6 नहीं आएगा, चलो ठीक है, यहां पर मैं इसको समझ लेता हूँ कि x इक्वल टू +6, ठीक है, नहीं तो इसको आप कर लो CO, +2, 2 मिनट बच्चों, +2 +6, यहां पर आप CN को 2 कर लो, ठीक है, इसको मैंने 2 कर दिया। अब देखो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +4, ये मैंने निकाल लिया, ये मैंने यहां पर निकाल लिया। अब देखो बच्चों यहां पर अब क्या होगा, जब यहां पर आपके पास केटायन है, एनायन नहीं है, तो काफी सिंपल है, एक बार आप इसका नॉमेनक्लेचर करो जब आपका एक ही पार्ट है, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, बोलो, डाइसाइनाइडो, मैं लिख दिया डाइसाइनाइडो, और उसके बाद क्या आ जाएगा, निकल, निकल, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों यहां पर 4 लिख दिया, देन आफ्टर आपका निकल 4। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, ये अभी कौन से फॉर्म में है, क्या ये अभी कंपाउंड के फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, ये आपका आयोनिक फॉर्म में, तो इसीलिए एंड में क्या लिख देंगे बच्चों यहां पर आयन। तो इस तरीके से हमने यहां पर केस वन को देख लिया, केस वन के इसी टाइप के एग्जाम्पल होंगे बच्चों, काफी इजी, ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल पढ़ते जाओगे आप, धीरे 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 आपका लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको समझ में आता जाएगा। नाउ अब हम समझते बच्चों केस टू का, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार कोशिश करो सबका नाम लिखने का, ठीक है, फिर से आप लोग कोशिश करो सबका नाम लिखने का, फिर आगे आप लोग केस टू देखना बच्चों, केस टू देखने से पहले एक बार कोशिश करो कि वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार जो आपने लिखा है उसको खुद से लिखने की कोशिश करो एक बार, कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर आप लोग लिखोगे। अब देखते हैं बच्चों केस टू, अब देखो केस टू में बच्चों मैं आपको बताता हूं, केस टू में मैं आपको बताता हूं, यहां पर समझना, व्हेन कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायनिक पार्ट,
अब देखो कॉम्प्लेक्स आयन आपका एनायनिक पार्ट होगा तब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तब आपको क्या करना पड़ेगा ध्यान से समझना। कॉम्प्लेक्स आयन अगर आपका एनायनिक पार्ट होगा तो उसका नाम लीगेंड, लीगेंड के साथ साथ आपको मेटल आयन, ठीक है, लीगेंड के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों यहां पर मेटल आयन, और मेटल आयन के मेटल आयन में जो आपको यूज करना पड़ेगा सफिक्स, वो क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों एट सफिक्स। मेटल आयन को एट सफिक्स के साथ हम करेंगे हमेशा यूज, और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर, बस यही काम है हमारा। बस इसमें परफॉर्मा में क्या चेंज होता है, एनायनिक पार्ट में आपको सफिक्स में क्या लगाना पड़ता है एट, क्योंकि एनायन को आप हमेशा एट से डिनोट करते हैं, जैसे लिखो सल्फेट एट आया, नाइट्रेट एट आ गया, उसी तरीके से मेटल आयन के नाम के पीछे मैं क्या लगा दूंगा बच्चों एट लगा दूंगा, कब, जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा पार्ट हो, एनायन पार्ट हो, ठीक है, एनायनिक पार्ट हो, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। तो एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, आप लोग कोशिश करो एक बार, ठीक है, कोशिश करो। यहां पर एग्जाम्पल वन मैं लिख दिया यहां पर के ए जी सी एन ट्वाइस, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर एन ए टू सी आर ओ एफ फोर, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों के टू जेड एन ओ एच ट्वाइस, ठीक है, के टू जेड एन ओ एच ट्वाइस। अब इसमें मैं एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं, ध्यान से समझना, फोर्थ के फोर एफ ई सी एन सिक्स, ये एक और एग्जाम्पल। अब देखो इन एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में सिमिलर बात क्या दिख रही है, देखो कॉम्प्लेक्स आयन को जैसे ही मैं आगे डिसोसिएट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, सारे कॉम्प्लेक्स आयन को जैसे ही मैं आगे डिसोसिएट कर रहा हूं तो ये आपके दो पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है ए जी और इसमें। अब ये माइनस वन है, ये भी आपका डिसोसिएट हो रहा है, यहां पर क्या जाएगा टू एन ए प्लस, यहां पर आपका क्या जाएगा सी आर ओ एफ फोर माइनस टू, यहां पर अगर डिसोसिएट किया तो टू के प्लस, यहां पर आपका क्या हो जाएगा जेड एन ओ एच ट्वाइस टू माइनस, अगर इसको मैंने डिसोसिएट किया तो यहां पर फोर के प्लस एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस, इस तरीके से डिसोसिएट हो गया होगा बच्चों। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप है ना वीडियो को पॉज करो, एक बार कोशिश करो खुद से करो कि किस तरीके से हमको नेमिंग करनी है, ठीक है। तो यहां पर नेमिंग किस तरीके से करेंगे देखते बच्चों, यहां पर सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मुझे, क्या निकालना है सबसे पहले मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया टू माइनस वन माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर एक्स के पास कितना चार्ज आ गया बच्चों प्लस थ्री का, यहाँ पर अगर मैंने इसको एक्स कर दिया यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर आपका कितना चार्ज होता है माइनस टू, फ्लोरीन के ऊपर माइनस वन और यहाँ माइनस टू, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका प्लस फोर। अब यहां पर निकालना है तो यहां पर इसको x माना, अब देखो OH के ऊपर माइनस वन चार्ज होता है, देखो माइनस वन चार्ज इक्वल टू माइनस टू, तो x इक्वल टू क्या जाएगा प्लस फोर, सॉरी यहां पर इसको फोर कर लो, ये आपका फोर होगा, तो यहां पर आपका कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों प्लस टू, ठीक है, क्योंकि जिंक जिंक हमेशा आपका प्लस टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्लस वन में नहीं, इसीलिए मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप ध्यान से समझना, यहां पर x आपका होता है सिक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर, तो x इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों यहां पर प्लस टू, इस तरीके से मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब इसका नेमिंग, सबसे पहले मुझे क्या नाम करना है बच्चों कैटायन का, रूल तो वही है, रूल आपका चेंज नहीं हुआ है, रूल में कोई चेंजेस नहीं है, सबसे पहले वही है कि आपको कैटायन का नाम करना है, तो कैटायन का नाम क्या है बच्चों आपका यहां पर पोटेशियम, पोटेशियम कैटायन का नाम लिख दिया। अब एनायन का नाम लिखो, तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे डाई साइनो, साइनो भी लिख सकते हैं साइनाइडो, दोनों बुक में अलग अलग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइनाइडो लिख लो आप, साइनाइडो आपका एनसीईआरटी साइनाइडो फॉलो कर रहा है। और एजी का नाम क्या होगा बच्चों,
एजी को हम क्या बोलेंगे, अर्जेंटेड, ध्यान से समझना, एजी को हम क्या बोलेंगे, अर्जेंटेड, ठीक है, अर्जेंटेड। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3। अब इसको ध्यान से एक बार समझो, आपको समझ में आ जाएगा। मेटल आयन के सफिक्स के पीछे एट लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जिसका लैटिन नेम आपका होगा उसको हम लैटिन नेम से ही लिखेंगे। देखो यहाँ पर सिल्वर, सिल्वर नहीं लिख सकता था, मुझे वहां पर क्या लिखना पड़ता, लैटिन नेम में अर्जेंटेड, लैटिन नेम है तो लैटिन नेम ही मुझे लिखना पड़ेगा। लैटिन नेम अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो मुझे लैटिन नेम लिखना पड़ेगा, वरना मुझे वो बाकी का तो मुझे ऐसे ही नाम लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर देखो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम, बोलो यहां पर। अब यहां पर कितने लिगेंट है, दो लिगेंट है, यहां पर कितने लिगेंट है बच्चों, दो लिगेंट है। दो लिगेंट को हम कैसे चलेंगे, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली चलेंगे दो लिगेंट के लिए हम। देखो अल्फाबेटिकली कैसे चलेंगे, इसका नाम होता है फ्लोरो, इसका नाम होता है ऑक्सो, तो पहले कौन आता है, फ्लोरीन आ जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, टेट्रा फ्लोरो फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोरो फ्लोराइडो, ये मैंने लिख दिया। देन आफ्टर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑक्सो, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्सो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सो। अब यहां पर क्रोमियम को क्या लिखेंगे बच्चों, क्रोमियम आपका नेगेटिव पार्ट में तो मुझे एट सफिक्स लगाना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्रोमेट, यहां पर क्या लिखेंगे, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर 4, ठीक है, ठीक है बच्चों, काफी इजी है। एक बार और इसको देख लेते बच्चों, यहां पर क्या होगा, सबसे पहले पोटेशियम, इसके नाम के आगे डाई ट्राई हम कभी नहीं लिखेंगे, मैंने आपको 2-3 बार बोला, और कई बच्चों की गलतियां होती है इसे, तो ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या है, OH, OH का आपको नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो मैंने लिखा था, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, मैंने कल आपको लिगेंड के नाम लिखाए थे, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। अब देखो जिंक का माइनस चार्ज है, तो इसको क्या लिखेंगे, जिंकेट, इसको क्या लिखेंगे, जिंकेट, जिंकेट लिख दिया। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, रोमन नंबर में लिखना पड़ेगा, सेकंड, इस तरीके से हमको नेमिंग करनी है। नाउ अब देखते हैं बच्चों इसका नाम, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, देखते हैं ध्यान से इसको क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब इसको क्या लिखेंगे बच्चों, फेरेट, इसको क्या लिखेंगे, फेरेट। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सेकंड। इस तरीके से हमको यहां पर नेमिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से हमको यहाँ पर नेमिंग करनी है। बात क्लियर है बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको यहाँ पर नेमिंग को यूज करना है, कि हाँ कि हमको यहाँ पर किस किस तरीके से नेमिंग करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कौन सा बच्चों, केस सेकंड, ये हो गया हमारा कौन सा, केस सेकंड। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं, केस थर्ड की, तो केस थर्ड बेटा काफी इजी है, अगर एक दो बार देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, केस थर्ड में उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, केस थर्ड काफी इजी वही है बच्चों। अब देखो केस थर्ड में क्या होता है बच्चों, केस थर्ड में इफ लिगेंड, इफ डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा ऑलरेडी प्रेजेंट इन, ऑलरेडी प्रेजेंट इन इन लिगेंड ने, लिगेंड के नाम में डाइट्राइड टेट्रा अगर पहले से ही प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम लिगेंड के नंबर ऑफ लिगेंड शो बाय, नंबर ऑफ लिगेंड्स आर शोन बाय डाई, यहां पर सॉरी डाई की जगह हम क्या लिखेंगे, बेस ट्रेस टेट्रा केस, इस तरीके से हम इसको शो करेंगे, ठीक है, या फिर पेंटाकेस, इस तरीके से हम इसको शो करेंगे बच्चों।
अगर लिगेंड के नाम के अंदर पहले से डाई हो दीजिए, जैसे इथाइलिन डायमाइन, डाई पहले आ गया तो उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको हम बेस ट्रेस टेट्राकेस इस तरीके से हम उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखते बच्चों एक एक एग्जाम्पल देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ पर समझना बच्चों, एग्जाम्पल Fe C5H5। अब देखो ट्वाइस, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, काफी अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो निकल DMG ट्वाइस, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, यहां पर सेकेंड VOACAC ट्वाइस। बच्चों मैंने अभी नए नए लिगेंड बताए जानबूझ के, क्योंकि आपको इसका नाम भी आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड हो गया, थर्ड ये हो गया। अब आपका फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ देख लेते हैं बच्चों, K3Fe C2O4 थ्राइस, ये आपका हो गया, ठीक है। पुराने वाले रूल आप भी लगेंगे, देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल लिगेंड है। जो जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता वो आपका ना कैटायन होगा ना एनायन होगा, तो कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर बाहर कोई काउंटर आयन होगा तो उसका नाम अगर पीछे होगा तो पीछे लिखेंगे, आगे होगा तो आगे लिखेंगे, बस उस तरीके से चलना है। अब देखो इसका नाम मुझे लिखना है, अगर यहाँ पर के होता तो पोटेशियम पहले लिखता, यहाँ पर सल्फेट होता तो सल्फेट में बाद में लिखता, जब इसमें है ही नहीं और ये आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के नाम में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करना, न्यूट्रल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम भी अभी यहां से आप समझ जाओगे कि किस तरीके से लिखना है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको मैं अगर बनाना चाहूँ तो इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका होगा, ठीक है। अब मैं अगर बोलना चाहूं इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटा डाइन, साइक्लो पेंटा डाइन हो, वो हो जाएगा इसका नाम। ये माइनस चार्ज को हटा दो, बस माइनस चार्ज को वो हटा दोगे तो नाम क्या हो, वो हो जाएगा बच्चों साइक्लो पेंटा डाइन, इसका नाम आपका हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइईन, ये इसका नाम हो गया। जब आपका इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटाडाइईन, और ये आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। अब लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके नाम के आगे पहले से डाई आ गया है, तो हम इसके लिए बीस ट्रीस टेट्राकिस पेंटाकिस इस तरीके से यूज करेंगे। अब देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, मैंने अभी अभी निकाला, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। जब भी आपको ऑर्गेनिक का कुछ ऐसा दे तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो, जल्दी से आपका सॉल्व आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर -1 कर दिया। अब देखो इसका नाम क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो Fe के लिए X ले लिया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -1 = 0, तो X इक्वल टू क्या कितना आ जाएगा F+2। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, यहाँ पर +2, ये मैंने निकालना बताया था। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना पड़ता है, तो लिगेंड यहां पर 2 है तो 20 साइक्लो पेंटा डाइईन, और यहां पर क्या जाएगा फेरस की जगह आप लोग लिखो आयरन, क्या लिखोगे आयरन, यहां पर क्या जाएगा सेकंड। इस तरीके से हम इसका नेम कर सकते हैं, काफी इजी है, काफी इजी है। अब देखो यहां पर आपका क्या है बच्चों डीएमजी, अब ध्यान से समझना है डीएमजी, डीएमजी का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, डीएमजी का आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएमजी का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, डीएमजी का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होता है, और डीएमजी का नाम क्या होता है बच्चों ध्यान से समझना, डाई मिथाइल ग्लाइसिमेटो, ठीक है, क्या होता है डाइमिथाइल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, ये इसका नाम होता है। अब ध्यान से समझना, पहले से ही नाम के अंदर क्या गया बच्चों, डाई आ गया,
तो इसका मतलब इसको हम किससे शो करेंगे, 20, 30, टेट्रा किस इस तरीके से करेंगे यूज। अब देखो यहां पर भी अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो इसके स्ट्रक्चर में कितने चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो यहां पर माइनस चार्ज। अगर मैं निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ तो एक्स प्लस टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, प्लस टू। ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। नाउ अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूंगा, न्यूट्रल आयन है सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर, 20 डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सामेटो, ये मैंने लिख लिया। नाउ अब क्या करेंगे बच्चों यहां पर, निकल निकल निकलेट नहीं लिखेंगे, निकलेट कब लिखेंगे, जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव चार्ज में हो, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हो तो मेटल आयन का नाम में निकलेट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी निकलेट नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका क्या है, न्यूट्रल है। अगर यहां पर माइनस चार्ज होता तो यहां पर निकलेट लिखते, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, सेकेंड। बात क्लियर है। अब ना अगला देखते हैं बच्चों, यहां पर एक और कंपाउंड है एसी एसी जो आपको नया देखने को मिला। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखना चाहूं ध्यान से, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड COH और यहां पर CH3, ठीक है। इस तरीके से इसका आपका यहां पर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखो यहां पर इसको हटा दिया, देखो डिटोटोमेरिज्म करा दिया था मैंने, यहां पर इसको हटा दिया। अब देखो यहां पर आपका कितना चार्ज है, केवल और केवल -1 चार्ज है, तो इसकी वजह से आपका -1 चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, x = x - 2 + 2 - 1 = 0, देन x = +4। यहां पर वेनेडियम के ऊपर चार्ज आ गया, न्यूट्रल आयन है वेनेडियम है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन है, तो सबसे पहले नाम क्या लिखेंगे बच्चों, इसका नाम क्या होगा बच्चों, एसीटाइल एसीटोनेटो। इसका नाम क्या होगा, एसीटाइल एसीटोनेटो, इसका नाम हो, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम मैंने लिख लिया है, अब देखो काफी इजी कर लिया है मैंने, नाम तो मैंने लिख लिया है, लेकिन अब हम ध्यान से समझते हैं। इसको अगर मुझे लिखना होगा तो इसका नाम ए से स्टार्ट है, इसका नाम ओ से स्टार्ट है, तो कौन पहले आएगा, ये पहले आ जाएगा। तो यहां पर एसिटाइल एसिटोनेटो नाम के अंदर ही बच्चों यहां पर मैंने इसका जो नाम है, नाम अगर मैं IUPAC नाम लिखना चाहूं तो इसके अंदर आपका क्या जाएगा, डाई ट्राई कहीं ना कहीं आपका आता है, ठीक है। डाई ट्राई आपका कहीं ना कहीं इसके अगर नेमिंग लिखेंगे तो इसमें आएगा, तो ध्यान से समझना। एसी एसी आपका ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें अगर आपके डाई ट्राई आपको दिखेगा नहीं लेकिन होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अगर इसका IUPAC नेम लिखना चाहे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम कैसे लिखेंगे, बेस बेस एसिटाइल एसीटोनेटो, ये मैंने नाम लिख लिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सो और यहां पर वेनेडियम, वेनेडियम के ऊपर कितना चार्ज, 4 चार्ज, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब देखो ऑक्सिलेट, इसका भी नाम क्या होता है, ऑक्सिलेटो इसका नाम होता है बच्चों। इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, आपको पता ही होगा इसका ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब देखो -2 चार्ज होता है इसके ऊपर, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ, देखो यहाँ पर 3K+, यहाँ पर Fe C2O4 thrice और यहाँ पर आपका 3-। नाउ ये आपका x हो गया 3 - 2 = -3, देन x = 3, ये आपका हो गया बच्चों यहाँ तक, क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब देखो ऑक्सीलेटो के नाम के अंदर भी आपको डाई ट्राई नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आपका डाई ट्राई इसके अंदर होता है बच्चों, ध्यान से समझ लेना। इसके अंदर हम डाई ट्राई बोलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना यहाँ पर। तो इसके नाम के आगे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, जल्दी बोलो, यहाँ पर 3 है तो क्या लिखूंगा, ट्रेस ऑक्सीलेटो। जब मैं इसका स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी आपका रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसमें पहले से लिखते हैं ट्रेस ऑक्सीलेटो, ठीक है। सॉरी बेटा, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, तो कैटायन का नाम क्या जाएगा, पोटेशियम, कैटायन का नाम लिख लिया। अब यह आपका माइनस पार्ट है, अब यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा पार्ट है, माइनस पार्ट।
अगर कॉम्प्लेक्स एन अगर आपका माइनस पार्ट होगा तो मेटल आयन के नाम के पीछे क्या लगाएंगे बच्चों हम लोग, एट। मेटल आयन के नाम के पीछे क्या लगाएंगे बच्चों हम लोग, क्या लगाने वाले हैं, एट। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों जल्दी बताओ, यहां पर हम क्या लिखेंगे, ट्रेस ऑक्सलेटो, ट्रेस ऑक्सलेटो। नाउ एफ का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट, फेरेट। और फेरेट के आगे हम क्या लगाएंगे बच्चों यहां पर, थर्ड। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक नेमिंग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट केस पे, केस नंबर फोर। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं केस फोर पे। तो केस फोर आपका काफी अच्छा है और काफी अच्छा एग्जाम्पल आएगा, और केस फोर में आपको एक नए टाइप का लिगेंड देखने को मिलेगा। केस फोर में आपको एक नए टाइप का लिगेंड देखने को मिलेगा बेटा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। केस फोर में आपका जो मैंने लिगेंड के टाइप बताए बच्चों वो तो कुछ टाइप थे, और भी लिगेंड के टाइप होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होगा, अब एम्बीडेंटेड लिगेंड आपके क्या होंगे, अब देखो लिगेंड, लिगेंड विच कैन डोनेट, विच कैन डोनेट, विच कैन बिहेव, विच ओनली विच विच ओनली बिहेव एज यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड, but having two center of electron pair donation, electron pair donation के आपके कितने center होंगे बच्चों, दो center होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर CN, ये कार्बन भी आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और इसमें NC भी आपका, इसमें नाइट्रोजन सेंटर भी आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, साइनो, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो, आइसोसाइनाइडो लिख लो, साइनाइडो लिख लो बच्चों आप लोग, साइनाइडो। ठीक है, अगर मैं बात करूं ONO, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओ नाइट्राइटो, हमको बताना पड़ेगा, ओ नाइट्राइटो हमको बताना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, कि हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन आपका सेंटर वो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। आप देखो यहाँ पर क्या होगा, एन नाइट्राइटो, एक ऐसा भी नाम होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक होता है SCN, एक होता है NCS। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, थायोसाइनाइडो, थायोसाइनाइडो, थायोसाइनाइडो। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया और इसके एस सेंटर बताना पड़ेगा, और यहां पर एन आइसो, आइसो रुको, थायो आइसो साइनाइडो, थायो आइसो साइनाइडो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बच्चों, एक ही लिगेंट है, लिगेंट एक ही है बच्चों, ये आपका CN, यहां पर भी CN है, लेकिन यहाँ पर कार्बन भी आपका लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन भी आपके किसको डोनेट कर सकता है बच्चों, लोन पेयर को। जब कार्बन भी आपके लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी आपके लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो इस टाइप के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इस टाइप के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो इसके नेमिंग के लिए मैंने आपको तरीका बताया, अब मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैंने KCOONO यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3, यहाँ पर H2O आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर 3, और सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeSCN 3, और यहाँ पर आपका H2O क्या हो जाएगा बच्चों, 3। इस तरीके से मेरे पास एग्जाम्पल है, जो अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही पड़ेगा। तो एनी हाउ मुझे मेटल आयन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो क्या जाएगा बच्चों, K+COONO3H2O3, और यहां पर आपका क्या जाएगा, -1। ठीक है, बात क्लियर है। अब ONO के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देखो X यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर 3 × 0, यहाँ पर -1, तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर +4। इस तरीके से मैंने निकाल लिया।
इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखो पोटेशियम, पोटेशियम अब देखो यहां पर ये इसके नाम क्या आ गया, एक्वा, इसके नाम क्या आ गया नाइट्रेट, तो कौन पहले आएगा, ये आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे ट्राई एक्वा, H2O को एक्वा बोलते, मैंने नेमिंग लिखवाया है ट्राई एक्वा, और यहां पर क्या आ जाएगा ट्राई, यहां पर आ जाएगा ट्राई ओ नाइट्राइटो, ठीक है नाइट्राइटो ऑक्सीजन सेंटर है, ठीक है यहां पर फिर आगे क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर कोबाल्ट, अब देखो कोबाल्ट आएगा कि कोबाल्टेट आएगा, अपने आप से खुद एक बार एनालिसिस करो, देखो कॉम्प्लेक्स आयन आपका नेगेटिव पार्ट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा कोबाल्टेट, और कोबाल्टेट के अंदर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 4, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। अब एक बार आप इसका नाम खुद से लिख के जाए देखना, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, एक बार आप लोग इसका नाम खुद से लिख के जाए देखना, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपको होमवर्क में दे दूंगा, चलो ठीक है। अब देख लेते बच्चों इसका नाम कैसे लिखेंगे, न्यूट्रल एलिगेंट, तो यहां पर सीधा ट्राई एक्वा, ठीक है ट्राई ट्राई, यहां पर एस सी एन को हम क्या लिखते हैं, थायो आई थायो साइनाइडो, तो थायो साइनाइडो साइनाइडो, और यहां पर क्या आ जाएगा आयरन आयरन, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, -1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, निकालो एक्स इक्वल टू 3 -1, और यहां पर 3 0 = 0, देन एक्स इक्वल टू +3, नाउ यहां पर क्या हो जाएगा थर्ड। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको यहाँ पर नेमिंग करनी है, इस तरीके से हमको यहाँ पर नेमिंग का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। तो ये तो था हमारा केस फोर्थ टाइप का केस मैंने आपको बता दिया, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों, फोर्थ टाइप का केस था ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट केस पे। अब नेक्स्ट केस आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब नेक्स्ट केस में आपको बताता हूं कि अगर आपका कैटायन और एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स पार्ट, अब देखो केस फिफ्थ में कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स पार्ट, बोथ आर कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब आपका जो कैटायन और एनायन होंगे दोनों अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट होंगे, जैसे एज एग्जाम्पल मैं देख लूं यहां पर, फिर मैं इसी का एग्जाम्पल आपको लिखवाऊंगा, देख लेते हैं, एज एग्जाम्पल मैं आपको देख लूं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे, कि यहां पर मैंने लिख लिया PtNH3, यहां पर मैंने लिख दिया 4, यहां पर मैंने लिख दिया NiCl4, ये मैंने पहला लिख दिया। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया एल्यूमिनियम C2O3 थ्राइस, ये आपका 2 लिख दिया, और यहां पर मैं लिख दिया ZnNH3 4, और यहां पर मैंने लिख दिया थ्राइस, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब नाउ अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, अगले एग्जाम्पल में क्या होगा, PdNH3 4 और यहां पर NiCN4, अब देखो दोनों कॉम्प्लेक्स है, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो इसके ऊपर +1 होगा तो इसके ऊपर -1 भी हो सकता है, इसके ऊपर +2 होगा तो इसके ऊपर -2, तो एक एक करके हम इस पर चार्ज लगा के देखेंगे। अगर मैंने इस पर +1 और +2 असाइन कर दिया, +1 और -1 असाइन किया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा +1, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर मैंने क्या असाइन कर दिया बच्चों, अगर इसके ऊपर +1 होगा तो इसके ऊपर अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों -1, ठीक है -1 असाइन कर दिया, इस तरीके से टूटेगा ना बच्चों ये, तो अब देखो तोड़ दिया ठीक है। अब नाउ अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूंगा तो x इक्वल टू +1 और यहां पर x इक्वल टू 4 -1 -1 x इक्वल टू 3, अब ध्यान से समझना, निकल और प्लेटिनम का ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, निकल और प्लेटिनम का आपका ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, जब निकल और प्लेटिनम का ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपका अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है ठीक है। निकल और प्लेटिनम के केस में हमें +2 या फिर +4 आप लोग रख सकते हो ठीक है,
तो हम यहां पर क्या असाइन करके देखेंगे बच्चों, हम यहां पर अब क्या असाइन करके देखेंगे, इस एग्जाम्पल को हम बाद में लिखेंगे। हम यहां पर क्या असाइन करके देखेंगे बच्चों, हम यहां पर अब एक बार प्लस टू और माइनस टू असाइन करके देखते हैं, ठीक है। प्लस टू और माइनस टू को असाइन करके देख लेते हैं बच्चों। यहां पर पीटी NH3 4, यहां पर प्लस टू असाइन कर दिया और यहां पर मैंने निकल Cl4 -2 असाइन कर दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखता हूं बच्चों मैं। देखो यहां पर अगर मैंने X4 0 +2, तो X=+2, ओके हो या ये आपका चलेगा ना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, X4 -1 = -2, तो देन X= क्या आ जाएगा, +2। नाउ इस तरीके से मैंने असाइन कर लिया इसको, ठीक है, काफी इजी है। नाउ अब हमको समझ में आ गया इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर -2 है। क्यों? क्योंकि ये अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में है, प्लेटिना निकल। ये आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल करते हुए आपको अपने आप आ जाएगा कि कौन से ऑक्सीडेशन नंबर को मुझे स्टेबल करना है, ठीक है। बात क्लियर है? देखो प्लेटिनम और निकल के केस में ध्यान रखो, ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा उस केस में, आप लोग ध्यान रखो बस थोड़ा सा। एक दो एग्जाम्पल अगर अगर आप लोगों ने अभी से ध्यान रखे ना बच्चों, तो आगे जाके आपको काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। नाउ अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कौन से पार्ट का लिखते हैं, कैटायनिक पार्ट का। तो कैटायनिक पार्ट आपका ये हो गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, अमाइन लिखेंगे बच्चों, नॉट अमाइन, अमाइन, टेट्रा अमाइन। इसका क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम। यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड, सिंपल नाम लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पार्ट में इस पे क्या लगाना है, 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लो राइडो, टेट्रा क्लोराइडो। अब यहां पर क्या लिखना है बच्चों मुझे, निकलेट, क्या लिखना है, निकलेट। निकलेट क्यों लिखेंगे, 8 क्यों लिखेंगे बच्चों, 8 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट में आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड। इस तरीके से हमने यहां पर नाम लिखा। अब इसका नाम हम समझते हैं बच्चों ध्यान से। अब इसको तो आप लोग इजीली कर सकते हो, देखो क्रिस क्रॉस मेथड से, इसको हम क्रिस क्रॉस मेथड से एनालिसिस कर लेंगे। तो यहां पर एल्यूमिनियम C2O3 थ्राइस, और यहां पर क्या जाएगा, +3, और जब इस टाइप का हो तो उसको क्रिस क्रॉस मेथड से करके देख लो, जल्दी हो जाएगा। यहां पर +2, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेक कर लो बच्चों एक बार, ताकि आपको आ जाए। देखो इसको मैंने x कर दिया, x+3, इसके ऊपर -2 होता है ऑक्सलेटों के ऊपर, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, +3। अब यहां पर x=, क्या हो गया, +3 माइनस, रुको, यहां पर ये आपका, देखो ये इसको इसको मैंने +3 किया, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर +3 किया तो यहां पर एल्यूमिनियम, ये आपका -3 3 -6 वहां जाएगा, +9। हाँ बेटा, इसके इसके थ्रू करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर +9, जो कि आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अब इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि इसको मैंने अगर ऐसे लिख दिया, ध्यान से समझना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ZnNH3 4 थ्राइस एल्यूमिनियम C2O4 थ्राइस, और यहां पर 2। अब देखो इसको मैंने यहां कर दिया और इसको मैंने यहां कर दिया। नाउ अब क्या बोलूंगा बच्चों, NH3। अब देखो इस तरीके से भी असाइन हो सकता है ना बच्चों, जहां पर तो आपको दिखेगा नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका +2, और ये आपका क्या हो जाएगा, C2O4 थ्राइस, या आपका 3-। अब नाउ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका एक्स का निकालूंगा मैं। एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर मैं कैसे निकालूंगा, X+3 -2 = -3, देन X=+3, ये हो जाएगा। नाउ यहां पर अगर मैंने X+4 0 +2, देन X=, कितना हो जाएगा, +2। देखो फॉलो कर गया ये वाले रूल को, ये आपका फॉलो कर गया। नाउ अब हम क्या समझेंगे बच्चों यहां पर, कि ये आपका कैटायनिक पार्ट होगा, ये आपका एनायनिक पार्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले कंफ्यूजन होता है कि कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट कौन सा होगा। तो ये आपका कैटायनिक पार्ट होगा, ये आपका एनायनिक पार्ट होगा, हमने निकाल लिया। नाउ अब हम समझते बच्चों इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखो टेट्रा अमाइन लिख दिया। अब जिंक को भी क्या लिखेंगे, सिंपल,
जिंक लिखेंगे, जिंक लिखेंगे, और यहां पर क्या जाएगा बच्चों आपका सेकेंड, बात क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आपका आ जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों बोलो, यहां पर इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, यहां पर जी जल्दी से बोलो, यहां पर आपका क्या जाएगा ट्राई, ट्राई नहीं ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो आपका क्या होता है बाइडेंटेड, और इसके अंदर पहले से डायरेक्ट ट्राई होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे ट्रिस ऑक्सीलेटो, ट्रिस ऑक्सीलेटो लिख दिया। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा एल्यूमिनेट, 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 और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3, तो इस तरीके से मैंने इसका नाम लिख लिया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, दोनों एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टिपिकल है। ये वाला एग्जांपल तो बच्चों आप लोग स्टार लगा लो, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों इसका, ताकि आपको और इजी गोइंग हो चैप्टर आपका हो जाए, तो देख लेते हैं एक और एग्जांपल। आपको माइनस और प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको लिखा देता हूं, देखो पीडी NH3 4, यहां पर निकल CN4। आपको क्या करना है बच्चों, एनालिसिस करना है कि किस तरीके से इसका नाम होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने अगर इस पे असाइन कर दिया, देखो यहां पर +1 +1, यहां पर +1 और यहां पर मैंने -1 असाइन कर दिया, जल्दी से कर दो, देखो क्या आ रहा है पीडी NH3 4, यहां पर +1 असाइन किया हुआ है और यहां पर मैंने क्या असाइन किया हुआ है बच्चों -1। अब देखो मैंने -1 असाइन किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो x+4 -1 = -1, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3। अब यहां पर मैंने असाइन कर लिया x+4 × 0 + 1, तो x = +1 नहीं होता है बच्चों, पीडी हमेशा +2 में, निकल हमेशा +2 या +4 में एग्जिस्ट करता है बच्चों, ये इसके अनस्टेबल कॉन्फिग्रेशन होते हैं। अब मैं क्या असाइन करूंगा बच्चों यहां पर, यहां पर +2 और -2 असाइन करके देखता हूं, तो यहां पर मैंने +2 असाइन कर दिया और यहां पर मैंने क्या असाइन कर दिया बच्चों -2। थोड़ा सा ध्यान से समझना, -2 असाइन कर दिया, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको डी ब्लॉक में बताऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा असाइन करना है, किस तरीके से करना है, फिर आगे चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर, देखो कुछ मैं बता देता हूँ, पीडी निकल जिंक एजी प्लेटिनम, वो एजी के ऊपर आपका +1 होना चाहिए, प्लेटिनम के ऊपर आपका +1 या +2 होना चाहिए, ठीक है, निकल के ऊपर आपका +2 या +4 होना चाहिए, पीडी के ऊपर आपका +2 होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, निकल के ऊपर आपका +2 या +4 होना चाहिए, पीडी के ऊपर आपका +2 होना चाहिए, और सीओ के ऊपर आपका +3 होना चाहिए, +3 होना चाहिए, इसी तरीके से सीयू के ऊपर आपका +2 होना चाहिए, +2 +1 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पर जिंक के ऊपर तो केवल और केवल आपका +2 होना चाहिए, और प्लेटिनम के ऊपर +4 या +2 होना चाहिए, इस तरीके से आपका होना चाहिए बच्चों, ये कुछ याद रख लो बस, उसी में आपका काम बन जाएगा। आप देखो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा मैं x = 4 0 + 2, तो x = क्या आ जाएगा +2, देखो पीडी फॉलो कर गया, अब देखो x = 4 - 1 - 2, तो x = क्या आ जाएगा +2, ये भी आपका फॉलो कर गया, दोनों आपके फॉलो कर गए। अब इसका नेमिंग मुझे लिखना हो तो नेमिंग कैसे लिखूंगा जल्दी बताओ, देखो इसका नेमिंग लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, मतलब डबल एम लिखना मत भूलना, टेट्रा अमाइन, यहां पर क्या हो जाएगा पैलेडियम, पीडी को पैलेडियम और यहां पर सेकंड नाउ। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, टेट्रा साइनाइडो, अब देखो ये माइनस के साथ है तो इसको क्या लिखेंगे निकलेट और यहां पर सेकंड। बच्चों देखो ये नाम आपका एक ही लाइन में होगा, ये नाम आपका कैसे लाइन में होगा, वो एक ही लाइन में होगा, लाइन चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये केस 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसके 2-3 बार आप एग्जांपल ध्यान से करो, आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को आपको याद करना है या फिर समझना है तो उसके एक ही
एक ही टाइप के एग्जाम्पल को 2 से 3 बार करोगे तो अपने आप आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर याद करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, रूल आप कभी भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पर K6 पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब देखो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स। अब देखो पॉलीन्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल EN ट्वाइस CO OH OH, यहां पर CO EN ट्वाइस और ये आपका इस तरीके से और यहां पर आपका Cl2। सेकेंड यहां पर NH3, यहां पर 4 निकल, और मैंने जी जिस कॉम एलिगेंट का नाम नहीं लिखा है वो आपका यहां पर आता जा रहा है, तो उसी उसी के साथ आप अपने नोट्स में लिगेंड का नाम लिखते रहिएगा। नोट्स में जब आप लिगेंड का नाम लिखते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, Br3। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे, आप समझते बच्चों इसको ध्यान से समझेंगे, काफी इजी है। अब देखो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जिसमें आपका क्या होगा, ध्यान से समझना, जिसमें आपका दो क्या हो बच्चों, दो मेटल आयन, क्या हो, दो मेटल आयन, ध्यान से समझना बच्चों, लिखने की कोई इजाजत नहीं है, दो मेटल आयन आपके सिमिलर लिगेंड से कनेक्टेड हो, दो मेटल आयन आपके सिमिलर लिगेंड से कनेक्टेड हो। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं टू मेटल आयन्स, लिख ही देता हूं बच्चों, टू मेटल्स आयन्स विल विल कनेक्टेड विल कनेक्टेड विल बी कनेक्टेड टू लिगेंड। ठीक है, लिगेंड से कनेक्टेड हो, सिमिलर लिगेंड, विल बी कनेक्टेड टू सिमिलर लिगेंड। अब देखो सिमिलर लिगेंड के मतलब मेरा क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, ये सीओ आपका ओएच से, यही सीओ आपका ओएच से, ये सीओ आपका ओएच से, ये आपका सीओ ओएच से। ठीक है, तो इस टाइप के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियस लिगेंड, पॉलीन्यूक्लियाई लिगेंड। ठीक है, अब लिगेंड आपका जिस बॉन्ड से कनेक्टेड होगा उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड। इस टाइप के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रिज लिगेंड, जो आपके दोस्त से जुड़ा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड। ठीक है, ये आपका ब्रिज के फॉर्म में होगा तो इसलिए हम इसको बोल देंगे ब्रिज लिगेंड। बात से ध्यान से समझना, ये दोनों को जोड़ रहा है ना, दो कॉम्प्लेक्स पार्ट को एक साथ ही एक ही में जी जोड़ दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज लिगेंड। ये भी आपका क्या है, ब्रिज लिगेंड, ये भी आपका क्या है, ब्रिज लिगेंड। ठीक है, तो मैंने आपको ब्रिज लिगेंड बता दिया। अब ध्यान से समझना, अगर मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना होगा तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले तोड़ेंगे। अब जब से पहले तोड़ेंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा बच्चों, आप खुद ही बताओ, +2। कितने सीओ है बच्चों, दो है ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2x। यहां पर EN पे चार्ज 0, EN पे चार्ज 0, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, तो टोटल कितने, यहां पर EN आपके 4 थे, 4 EN के ऊपर 0, 2 OH के ऊपर -1 इक्वल टू +2, तो टोटल 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 4, देन x इक्वल टू कितना हो गया, 2। इस तरीके से मैंने निकाल लिया, तो इसके ऊपर भी सेकेंड और इसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड। इस तरीके से यहां पर आपका नाम आ गया। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझो, इसका नाम हम स्टार्ट यहीं से करेंगे एक एक करके। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले आप देखो ये आपका इसके अंदर क्या आता है, डाई आता है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, 20 से 20 इथाइलिन डाई अमाइन इथाइलिन डाई अमाइन। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, कोबाल्ट कोबाल्ट, यहां पर मैं लिख दिया सेकंड। ठीक है, अब ब्रिज वाले लिगेंड को आपको किससे शो करना है, म्यू से, म्यू। अब देखो दोनों सिमिलर है तो म्यू म्यू डैश हाइड्रोक्सो, म्यू म्यू डैश हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सो लिख दिया, कहीं 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 बुकों में आपको हाइड्रोक्साइडो भी लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्साइडो बात एक ही है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगला क्या लिखेंगे बच्चों, 20 इथाइलिन
डाई अमाइन कोबाल्ट सेकेंड, ये मैं लिख दिया। अब इसके एंड में क्या लिख देंगे, क्लोराइड। बस सिंपल इस तरीके से नेम को हम करेंगे, एक सीधा सिंगुलर फॉर्म में एक पूरी लाइन में चलेगा, ठीक है। अब इसको देख लेते बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका निकल, ये आपका क्रोमियम। अब देखो निकल और क्रोमियम के केस में हम क्या करेंगे, क्रोमियम के निकल के ऊपर प्लस टू स्टेबल होता है और क्रोमियम के ऊपर प्लस थ्री। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे तो अब हम समझ लेते हैं बच्चों, इसका ऊपर टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका टोटल माइनस थ्री। अब इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं यहां पर निकालेंगे तो यहां पर माइनस थ्री आपका होना चाहिए। माइनस थ्री कैसे होगा बच्चों, माइनस थ्री यहां पर कैसे होगा, जल्दी से निकालो। अब देखो माइनस थ्री यहां निकालना है तो यहां पर देखो, यहां पर इसके ऊपर माइनस वन, इसके ऊपर माइनस वन होता है, तो यहां पर मैंने लिख दिया, इसको मैंने एक्स लिख दिया और इसको मैंने वाई लिख दिया, तो एक्स और यहां पर एक्स और इसकी वजह से जीरो, और यहां पर आपका क्या जाएगा माइनस वन, यहां पर भी आपका माइनस वन, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से समझो, यहां पर आपका वाई हो गया, वाई हो गया, और यहां पर आपका टोटल माइनस, टोटल प्लस थ्री आ गया, ठीक है। अब टोटल इसका करेंगे तो एक्स प्लस वाई आपका कितना होना चाहिए बच्चों, फाइव। एक्स प्लस वाई आपका कितना होना चाहिए बच्चों, यहां पर फाइव, ठीक है। अब x प्लस वाई आपका 5 है ना, होना चाहिए, तो कब होगा, निकल के ऊपर प्लस टू स्टेबल होता है और क्रोमियम के ऊपर आपका प्लस थ्री। इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ अब हम समझते हैं बच्चों यहां पर कि अलग अलग कंपाउंड के केस में थोड़ी देर दिक्कत आती है, जो मैंने एग्जांपल बता दिया, निकल के ऊपर और क्रोमियम के ऊपर प्लस थ्री होता है। नाउ अब मैं इसका कैसे लिखूंगा नाम, जल्दी जल्दी समझो। देखो यहां से नाम लिखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, टेट्रा अमाइन, ये मैंने नाम लिख दिया टेट्रा अमाइन। यहां पर क्या लिख दूंगा, निकल के ऊपर प्लस टू, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, म्यू हाइड्रोक्सो या फिर हाइड्रोक्साइड हो। अब ये यहां पर क्या लिखेंगे, म्यू डैश अमाइडो। आपका NH2 माइनस होता है अमाइडो, थोड़ा सा ध्यान से समझना, NH2 माइनस आपका होता है अमाइडो। यहां पर क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, क्रोमियम को क्या लिखेंगे, क्रोमियम, और यहां पर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। और यहां पर आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हम यहां पर मेटल आयन के, इस तरीके से हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम को लिखेंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको चार पांच रूल बताए बच्चों, उस रूल के हिसाब से चलेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। काफी इजी है बच्चों, एक दो बार अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको नेमिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपको इस तरीके से नेमिंग होगी, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ मैं अभी अब इसमें एक और एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से नेमिंग होगी। तो देखो एक और एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं बच्चों, काफी इजी एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं बच्चों आप लोगों का, देख लेते हैं। NH3 thrice, हाँ एक और एग्जांपल, NH3 thrice H2O2COOH NiCl4, ये आपका है। अब देखो यहां पर इस टाइप के कंपाउंड को हम कैसे डील करेंगे देख लेते हैं बच्चों। यहां पर देखो निकल के ऊपर आपका प्लस टू होना चाहिए, रिमेनिंग सारे इसके ऊपर, ठीक है। ये मैंने कर दिया x प्लस वाई। अब देखो यहां पर से तो सारे जीरो आ जाएंगे, इसकी वजह से माइनस वन, इसकी वजह से माइनस फोर इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वाई आपका क्या होना चाहिए, फाइव, ये टू होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री। सिंपल बात है। अब इसमें कैसे करेंगे नेमिंग, ध्यान से समझो। यहां पर अमाइन, यहां पर एक्वा, ए के बाद एम, एम को देखेंगे सेकेंड अल्फाबेट, एमीन अमाइन। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, नाम ट्राई अमाइन डाई एक्वा, ये मैंने नाम लिख दिया। अब कोबाल्ट के लिए क्या लिखेंगे, कोबाल्ट थर्ड
म्यू हाइड्रोक्साइड, म्यू हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो लिखो या हाइड्रोक्साइड लिखो, बात एक ही है। नाउ क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, जल्दी बोलो। टेट्रा क्लोराइडो निकल सेकेंड। आई होप सो कि आपको सभी टाइप के नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर को डिटेल करना है। मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट करा दिया, तो इस तरीके से हम यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर को देख सकते हैं। काफी इजी है, अगर एक दो बार देखोगे तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।